समाजवादी पार्टी के बीच जो राजनीति एक्शन फिल्म चल रही है उसमें खलनायक अमर सिंह को बना दिया गया है। अब एक खेमा ऐसा है जो अमर सिंह को पार्टी में देखना पसंद नहीं करना चाहता और दूसरा खेमा चाहता है कि अमर सिंह को किसी सूरत में बाहर नहीं किया जा सकता। मगर इस बढ़ते बवाल के बीच आरोप है कि अखिलेश के खिलाफ साजिश के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया गया। किसने लिया सहारा, खुद देखें। क्या अखिलेश यादव पर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया गया? क्या अखिलेश के खिलाफ जादू टोना किया गया? किसने किया अखिलेश को हराने के लिए काला जादू? सुनने में भले ही अजीब लगे मगर उत्तर प्रदेश के सियासत में समाजवादी पार्टी के बीच मचे संग्राम में जादू टोना टोटका और तंत्र मंत्र का ट्विस्ट आ गया है। आरोप है कि उत्तर प्रदेश के ताजदार का सिंहासन खाली कराने के लिए टोने टोटके का सहारा लिया गया, अखिलेश को शिकस्त देने के लिए काला जादू किया गया। आरोपों के मुताबिक ये काला जादू किसी और ने नहीं, उन्हीं अमर सिंह और उनके साथियों ने किया, जिनके ऊपर पिता पुत्र के बीच कलह कराने का पुराना आरोप है। आरोपों की आंच अमर सिंह तक पहुंची तो देखिए कैसे जबान से ज्वाला फूट पड़ी। अमर सिंह ने अपनी सफाई दी और शिवपाल यादव ने अपनी। तंत्र मंत्र का खेल किसने खेला और कब खेला गया ये तो वही जाने जिन्होंने आरोप मढ़ा है, मगर एक बात तो साफ है कि इस लड़ाई में अमर सिंह पर आरोप शिवपाल से पहले हैं। और इसी बीच अमर सिंह को जेट सिक्योरिटी भी मिल गई तो अमर सिंह को नापसंद करने वालों को निशाना साधने का मौका भी मिल गया। भाजपा के एजेंट के रूप में अमर सिंह पार्टी में काम कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं भाजपा के इशारे पे। ये तो इसी बात से सिद्ध हो गया कि उनको कौन बड़ी भारी थ्रेट थी जो उनको जेट कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है। उनकी सुरक्षा इसी सरकार ने वापस भी की थी। हाँ, तो फिर क्यों दे दी? इसका मतलब बड़ा सीधा सीधा है, दी तो इसी कारण है कि वो जो अपना काम करने में पूरे जुटे रहे, तन मन धन से जुटे रहे, वो अपना काम कर रहे हैं। अमर सिंह सियासत के सधे हुए सिपाही हैं। नरेश अग्रवाल के नहले पर अमर सिंह का दहला देखिए। समाजवादी पार्टी में आरोपों की आंधी चल रही है, जिसने अपनी चपेट में पिता पुत्र के रिश्ते को तो लपेट ही लिया है, अब बची है पार्टी। लेकिन पार्टी का पालनहार कौन होगा ये निर्णय चुनाव आयोग के पाले में है। कुमार अभिषेक के साथ विक्रांत, लखनऊ, आज तक।